हेलो, शेयर कर रही हूँ चना दाल गोश्त की रेसिपी, जो खाने में बहुत जायकेदार होता है। इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ आधा किलो गोश्त लिया है, दो बाउल हमने चने की दाल ली है। मेजर में देखें तो 250 ग्राम दाल है। एक घंटा पहले हमने वॉश करके इसको भिगो दिया था। ये देखिए, दाल हमारी फूल गई है और पकने के लिए रेडी है। अब इसके मसाले के लिए हमने रफली एक प्याज काट ली है और एक रफली टमाटर काट लिया। इन दोनों को अलग अलग मिक्सी में हमने पीस लिया है। कुकर में देसी घी हमने गरम कर लिया है। अब इसमें खड़े गरम मसाले में हमने तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची ले ली है। अब इसको खड़े गरम मसाले को थोड़ा चटकने दें। एक से डेढ़ चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डालकर हल्का सा भून लें ताकि अदरक लहसुन की स्मेल चली जाए। अदरक लहसुन हमारा हल्का सा भून चुका है और अब इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त के साथ भी भून जाएगा ये गोश्त। देखिए, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा भुन चुका है। अब इसमें प्याज जो हमने पीसी थी वो डाल दें, टमाटर पीसे हुए वो डाल दें। थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक से दो चम्मच हमने पीसा धनिया लिया है वो डाल दें। एक से दो चम्मच हमने पीसी लाल मिर्च ली है वो डाल दें। और थोड़ा पानी डालकर एक चार से पांच सीटी लगा लें। चार से पांच सीटियों में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। देखिए, चार से पांच सीटी आ चुकी हैं, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, इसे अच्छे से भून लें। गोश्त अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया था, नमक ऐड करें। पिसा गरम मसाला डाल दें। खाने में बहुत जायकेदार लगता है ये चने की दाल गोश्त, और तंदूर की रोटी और राइस से बहुत अच्छा लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर गोश्त हम निकाल लेंगे। निकाल कर हम गोश्त अलग रख देंगे। फिर इसमें इसी मसाले में चने की दाल डाल देंगे हम। गोश्त हमने देखिए सारा निकाल लिया है। अब इसमें हम चने की दाल डालकर, चने की दाल हमने डाल दी है और दो से तीन सीटी लगा लें। दो से तीन सीटियों में दाल अच्छे से गल जाएगी। देखिए, दो से तीन सीटी आ चुकी हैं और दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसे इस चम्मच की हेल्प से इस तरह से घोट लीजिए। हमारी दाल देखिए घुट चुकी है, बस ऐसे ही रहने देना। फिर इसमें गोश्त डालकर थोड़ा पानी डालें। पानी अपने हिसाब से डाल दें, जितने पतली आपको रखनी है। मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दें। देखिए, 5 से 10 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब इसमें कटी हरी मिर्च डाल दें। अब इसके बघार के लिए हमने देसी घी गरम करा है। इसमें थोड़ा ज़ीरा डालें,
कटी प्याज डालकर और गोल्डन ब्राउन होने दें। देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें पीसी लाल मिर्च डालकर और इसका दाल का भगार कर दें, हल्का सा भून लें। ऐसे ही दाल बिल्कुल रेडी है हमारे और अब भगार भी हो गया है। देखिए वाह कितनी अच्छी दाल गोश्त बना है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकालकर तंदूर की रोटी या ज़ीरा राइस से सर्व करें। बहुत जायकेदार दाल गोश्त बना है।